बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमर राशिद, लेक्चरर इन जूलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस। आज के इस लेक्चर में हम नॉमिनलिस्टिक स्पीशी कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इससे पहले क्या कंसेप्ट हुआ करता था और इस कंसेप्ट में क्या बात को जो है वो ऐड किया गया था और स्पीशीज़ के बारे में क्या राय कायम की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉमिनलिस्टिक स्पीशी कंसेप्ट जो है, इसमें अगर आप देखें तो नॉमिनलिस्ट जो हैं उनमें ओकम थे और इसके कुछ फॉलोअर्स हुआ करते थे, उनका बिलीव था कि स्पीशीज जो होती हैं ये नहीं पाई जाती, इनका कोई भी वजूद नहीं है, ये जस्ट एक मैन मेड यानी जो हैं वो बना दी गई हुई हैं, ये एक मैन की क्रिएशन है और इनकी कोई डेफिनेट एग्जिस्टेंस दुनिया के अंदर नहीं पाई जाती, इनको इन्वेंट किया गया है स्पीशीज़ को, सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। और स्पीशीज़ को इन्वेंट क्यों किया गया है ये भी इसमें बताया जाता था कि ताकि इंडिविजुअल्स की तादाद को ज्वाइंट जो है वो ज्यादा करके शो ऑफ किया जा सके या बताया जा सके। तो इस तरह से ये कंसेप्ट जो था फ्रांस के अंदर 18वीं सदी के अंदर बहुत ही एक मकबूल नजरिया बना हुआ था, इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट का इवन बिलीव भी हुआ करता था कि जो स्पीशीज होती हैं ये बेसिकली नहीं पाई जाती हैं, बल्कि जो मतलब स्पीशीज हैं ये एक इंसान की क्रिएट की गई तखलीक है। अब अगर आप इसको देखें तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो यकीन रखने वाले थे उनमें बफन था, लामार्क था, उन्होंने अपनी अर्ली राइटिंग्स में इसके बारे में बताया, रॉबिनेट ने भी, और इसके कुछ एडहीरेंट्स जो हैं वो अभी तक पाए जाते हैं प्रेजेंट डे तक, विच मींस कि अभी भी कुछ बोटैनिस्ट जो हैं इस कंसेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं और इसको अप्लाई कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर। अब स्टूडेंट्स, बेजे जो था उसने 1908 में इस कंसेप्ट को जो है वो अपने अल्फाज में इस तरह से एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि नेचर प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल्स एंड नथिंग मोर, स्पीशीज हैव नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस इन नेचर, दे आर मेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड नथिंग मोर, स्पीशीज हैव बीन इन्वेंटेड इन ऑर्डर दैट वी मे रेफर टू ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली। अब वो कहता था कि जो नेचर है ना, कुदरत जो है या फितरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिविजुअल्स यानी अफराद पैदा करती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, स्पीशीज की कोई हकीकत है ही नहीं फितरत के अंदर और ये एक बस दिमागी नजरियात हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और स्पीशीज जो हैं इनको इसीलिए इन्वेंट किया गया है, इसीलिए इनको यानी कि ईजाद किया गया है ताकि हम जो हैं वो इंडिविजुअल्स को कलेक्टिवली बहुत ज्यादा शो कर सकें या हम कह सकें कि इतने सारे इंडिविजुअल्स मिलकर जो हैं वो स्पीशीज बन गए हुए हैं। अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि ये एक ऐसा नजरिया था, अगर आप इसको देखें प्रेजेंट प्रैक्टिकल रीजंस में या सिनेरियो में, तो ये एक नजरिया ऐसा था जिसके ऊपर बहुत सारी ऑब्जेक्शंस बनती हैं, मतलब ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो है वो स्पीशीज नहीं पाई जाती, बल्कि स्पीशीज जो है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और स्पीशीज की एक रियलिटी है जिसको आप डिनाय नहीं कर सकते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर स्टूडेंट्स आप जो हैं वो ऑब्जेक्शंस देख रहे हैं कि नॉमिनलिस्टिक स्पीशी कंसेप्ट के ऊपर ऑब्जेक्शंस क्या लगाई जाती हैं, वो यही है आपके सामने कि कोई भी नेचुरलिस्ट जो है, चाहे वो कोई भी प्रिमिटिव नेटिव हो किसी एरिया का, मतलब मकामी बाशिंदा हो किसी भी इलाके का रहने वाला, ये एक पूरा ट्रेंड पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट हो यानी जिसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स का इल्म हो, तो वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता सकता है कि ये नॉमिनलिस्टिक स्पीशी कंसेप्ट में जो कहा गया है कि स्पीशीज नहीं पाई जाती जस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, ये एक ट्रू कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि स्पीशीज जो एनिमल्स की हैं ये ना तो कोई इंसान की बनाई हुई चीज़ है, मतलब इंसानों ने ये खुद नहीं सपोज की हुई, ना ही ये अगर आप प्लाटू के सेंस में देखें कि जो अफलातून था वो आइडोज कहा करता था, मतलब आपको याद होगा कि आप प्रीवियस कंसेप्ट में जो है टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि अफलातून जो था उसके मुताबिक क्या था कि कुछ आइडोज जो होती हैं वो पाई जाती हैं, मतलब आइडोज को अगर आप तर्जमा करें, ये ग्रीक वर्ड है ना, तो इसका मतलब बनता है फॉर्म, इसेंस, टाइप या स्पीशीज, कि कुछ ऐसी फॉर्म्स पाई जाती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज या इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, जो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट बता रहा होता था उसको आपने डिटेल में पढ़ा है। तो अब ये कह रहा है कि ये अरस्तू की तरह की टाइप्स नहीं है जो अरस्तू अपने आइडोज कंसेप्ट में बताता था कि आइडोज पाई जाती हैं, बल्कि ना ही इंसानों की कोई तख्लीक करता चीज, बल्कि ये एक ऐसा वजूद है जिसके अगर आप इक्विवेलेंट ढूंढना चाहेंगे इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स की दुनिया में यानी उनके एक रैम में या वर्ल्ड में, तो आपको कोई भी ऐसा जानदार नहीं मिलेगा, मतलब स्पीशीज जो है ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है स्लाइड ये आपको ऑब्जेक्शंस जो है वो बता रही है कि जो है वो ये बहुत बड़ी ऑब्जेक्शंस हैं जी के नॉमिनलिस्टिक स्पीशी कंसेप्ट के ऊपर, के इंडिविजुअल्स ही जस्ट
पाए जाते हैं, वो कहता है ना कंसेप्ट, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। इंडिविजुअल्स नहीं पाए जाते बल्कि स्पीशीज होती हैं, और ये एक मतलब जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज द रेफरेंस ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।